अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। इसके पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका चांसेस है नीट में आने का। और दूसरा पॉइंट, इन पांच क्वेश्चंस करने के बाद ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है क्या कि हमें यदि अर्थ सर्फेस के 1 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, अर्थ सर्फेस इससे 1 किलोमीटर ऊपर चले जाए या डी नीचे आ जाए, डी किलोमीटर नीचे आ जाए, दोनों पॉइंट पर क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम मिलता है, तो आप बताइए कि जो ये डी है उसका वैल्यू क्या होगा। सबसे ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है, एच इक्वल टू ए डी होना चाहिए, ठीक है, एच दिया हमको और हमको पता है यदि इसमें बढ़ना कैसे, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बात कर रहा है, वो भी हाइट पर बात कर रहा है, तो हम जानते हैं जी एच इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट। और डेप्थ के लिए यूज करते हैं जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर, तो ये दोनों फॉर्मूला आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। अब क्या कर रहा है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर दीजिए आप, जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर, ये जी से जी कट जाएगा, वन माइनस और एच के जगह क्या रख दीजिएगा आप, वन, तो देखिए यहाँ पर इसी को मैं इधर कर रहा हूँ, तो वन माइनस टू अपॉन आर इधर क्या बच जाएगा, वन माइनस डी अपॉन आर, ठीक है, फिर उधर क्या होगा, आर माइनस टू अपॉन आर, आर माइनस डी अपॉन आर, आर आर कट जाएगा, आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा लगभग 2 किलोमीटर, या आंसर क्या आएगा आपका 2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ के आपको सुना दूं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ द सेम एज द डेप्थ डी बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, देन डी इज इक्वल टू, डी निकालना था आपको, ठीक है। तो जो मेन बेसिक अपना थीम था वो क्या है, इस फॉर्मूला को रिलेट करना, जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर इक्वल टू ये जो हम कर पा रहे हैं तो आंसर मेरा सही आ पाएगा, ठीक है, तो बस इस कंसेप्ट को रिवाइज करना था। फिर क्वेश्चन था क्या, वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रेडियस, यदि अर्थ का बात करें तो जैसे ही अर्थ आता है तो आपसे इससे दिमाग आना चाहिए, अर्थ जो है वो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर नहीं है, अर्थ के अंदर मास है, सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का जो जी होता है उसका यदि आप निगेट, अब देखिए इसमें इसमें जो ग्राफ दिया था वो पॉजिटिव वाला ही ग्राफ दिया था, उसको दिक्कत नहीं, जी के लिए कैसे होता है, पहले ऐसे जाता है और फिर ऐसे आता है, या आपको ऐसे भी मिल सकता है, जहाँ नीचे नीचे मिल सकता है ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, तो सॉलिड अर्थ इसलिए दिया क्योंकि अधिकतर लोग रट लेते हैं सॉलिड स्फीयर आएगा तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे, अर्थ भी क्या है सॉलिड स्फीयर ही है तो उसका भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम आया था अपना वो क्या था, ये जी इक्वल टू जी एम आर अपॉन आर क्यू, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ बताता है, जब रेडियस इस कैपिटल आर से छोटा हो, अंदर कहीं पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो, तो चलो ये फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट आएगा, बात समझ आ रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम ये इसमें क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ यदि एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का वेलोसिटी किसी प्लैनेट पर अपॉन रेशियो टू द अर्थ, ये पूछ रहा है आपसे। जैसे एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन आया तो आपको पहले फॉर्मूला देना चाहिए, अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, ये एम किसका, एम जिस बॉडी को फेंक रहे उसका नहीं, एम जिस प्लैनेट से फेंक रहे उसका है, ठीक है। तो पहले बार में कोई प्लैनेट है, दूसरे बार में जो प्लैनेट उसका नाम अर्थ दे दिया गया है, ठीक है, तो वो तो यानी कि आप देखिएगा एक बार ध्यान से, तो हमको रेशियो निकालना है ना वीपी अपॉन वी का, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, अंडर रूट टू जी तो कांस्टेंट होगा, तो रेशियो मेरा क्या आएगा, एमपी अपॉन आरपी इंटू एमई अपॉन आरई, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट टू जी कांस्टेंट है तो एमपी अपॉन आरई आरपी इसके लिए, फिर वी में एमई अपॉन आर, ठीक है। और आपको मास लिखना है, इससे मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि यहाँ डेंसिटी और रेडियस दिया, डेंसिटी क्या बोला, इक्वल है, डेंसिटी दोनों का इक्वल है, इक्वल है, तो आप मास को कैसे लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, ठीक है। और आपको यहाँ आर का रिलेशन दिया है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, आर का रिलेशन दिया है, तो आप मास के जगह पर ये पुट कीजिएगा, ठीक है, एक बार एमपी करके और एक बार एमई करके, तो यहाँ पर आरपी डाल लीजिएगा और यहाँ पर आर ई डाल कर कीजिएगा, ठीक है, और आर पी और आर ई में रिलेशन दिया है वो पुट कर दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्केप वेलोसिटी का रेशियो बताइए अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी प्लैनेट का, या दो प्लैनेट दिया जाएगा उसका रेडियस का रेशियो दे दिया जाएगा, वो आपको निकालना होगा, ठीक है। तो मास बस यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मास के साथ साथ
हम ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, क्योंकि यहाँ मास दिया नहीं है, तो मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी से, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 4/3 पाई आर क्यूब से निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम। तो ये दो तीन फॉर्मूले इस क्वेश्चन में आपको रिवाइज होंगे। फिर अगला आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ सर्फेस से कोई भी एक 5 आर हाइट ऊपर चले गए हम, और एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। अब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट आने का मतलब हो गया इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 24 आवर, इसलिए ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट दिया गया यहाँ पर। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर, ये आपको याद होना चाहिए पहला पॉइंट। फिर बोल रहा है कि कोई अलग अलग प्लानेट है, अलग सेटेलाइट है, सॉरी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट नहीं है इस बार, कोई दूसरा सेटेलाइट है, उसको हम 2 आर हाइट पर ले गए और उसको छोड़ दिया रोटेट करने के लिए, उसका हमको टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड का जब भी क्वेश्चन आता है और रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी ET डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2। बस समझ में आ रहा, तो हमको निकालना है क्या, टीजी मतलब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपॉन टीपी नया प्लैनेट। आर क्या होता है, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस, और ये जो दिया है 5 आर, ये सेंटर सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस दिया है, यानी कि आर क्या हो जाएगा, यहां से लेकर क्या होगा 6 आर अपॉन नीचे कितना जाएगा 3 आर, ठीक है, इसका 3/2, इसका भी 3/2, बस समझ में आ रहा है, ठीक है, दोनों फिर कट जाएगा अपना। और टीजी पता है, टीजी कितना है यहाँ पर 24 आवर, तो मेरे पास टीपी निकल के आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें जो जनरल कंसेप्ट था वो क्या था, दो चीज रिवाइज हुआ मेरा इसमें। पहला जो रिवाइज हुआ वो क्या, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर क्यू, ये एक फॉर्मूला रिवाइज हुआ मेरा। टाइम पीरियड का रिलेशन रेडियस के साथ कहीं भी चाहिए तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होना चाहिए। दूसरा क्या रिवाइज हुआ, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा 24 आवर, ठीक है। तो दो चीज मेरे यहाँ पर रिवाइज होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया आपका नीट में, मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका एक बार आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आया नीट में, नीट का क्वेश्चन है ये, हाँ 2012 के क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2012 में आया नीट में क्वेश्चन, आप देख लीजिए, इसमें 19th नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो 2012 का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में, इस बार भी आने का चांस है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है अपना, ठीक है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट बताना है और h इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ पर, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इसके इस सरफेस से किसी भी m मास के चीज को फेंकते हैं, ठीक है, और उसको हमको पहुंचाना है h हाइट तक पहुंचाना है। h हाइट क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ ही है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से हमको r h हाइट फेंकना है, और हाइट क्या है, जो ये डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस है, तो आपको बताना है किस वेलोसिटी से यहां से फेंके ताकि ये h हाइट पहुंच जाए, और h हाइट क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ ही है। तो बस हमको ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इस पॉइंट पर एनर्जी इक्वल टू इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एनर्जी क्या होगा, हम काइनेटिक एनर्जी देंगे 1/2 mv² प्लस माइनस gmm / r, ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, यहां पर तो पार्टिकल रुक जाएगा, वो रुक देना है यहां पर, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस gmm / 2 r, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, माइनस gmm / डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसलिए 2 r, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको वेलोसिटी निकल कर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुख्य जो कंक्लूजन रहा अपना वो मैं एक बार रिवाइज कर दूं, तब आंसर मिटाकर जो जो अपना मुख्य कंक्लूजन रहा इस चैप्टर के, मतलब जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उसके, वो ध्यान से एक बार आप देखिएगा, लास्ट कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो कंक्लूजन था इसमें क्या था अपना, फिर से मैं लिख दो, gh इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h / r, ये फॉर्मूला आया। फिर दूसरा क्या था, gd इक्वल टू जी इंटू 1 - d / r, ये दो फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स मेरे रिवाइज हुए पहले क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन से क्या रिवाइज हुआ कि अर्थ है तो सॉलिड स्फीयर है, उसका एक अंदर वाला जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm r / r क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला रिवाइज हुआ मेरा। इसमें आए थे तो वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी रिवाइज हो गया अपना, अंडर रूट 2gm / r होता है, ठीक है, ये रिवाइज हुआ। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में तो अपना रिवाइज हुआ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, और 24 आवर टाइम पीरियड होता है किसी भी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का, ठीक है। फिर इसमें आया तो अपना एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरा रिवाइज हो गया। तो ये 5-6 कॉन्सेप्ट जो रिवाइज हुए अपने इस 5 क्वेश्चन से, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे एक बार और क्वेश्चन कीजिए।